गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे डाउट के बारे में बताता हूँ जिसमें आप लोग अक्सर गलती करते हैं। जब भी था, थे, थी आता है तो दोस्तों मैंने देखा है कि आप लोग कभी डिड लगा देते हैं, कभी वाज लगा देते हैं, कभी हैड लगा देते हैं, कभी सेकंड फॉर्म कर देते हैं। मतलब आप लोग उस चीज़ को बराबर समझ नहीं पाते हैं। ये गलतियाँ आपसे अक्सर होती है, तो आज क्यों ना हम लोग समझे कि कब हमें डिड लगाना है, कब हमें वाज वर लगाना है, कब हमें हेड लगाना है और कब हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म करना है। तो दोस्तों आज हम लोग समझते हैं टॉपिक को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि बहुत इजी लग रहा होगा आपको, लेकिन ये मोस्टली आप लोग गलती करते हैं। मैंने तो स्टूडेंट्स को मुझसे यहाँ तक भी सुना है कि हमें कहना है कि वह जाता था तो आप लोग ही वाज गो बोल देते हैं। तो इस प्रकार की जो गलती होती है वो क्यों होती है, इसको हम लोग समझते हैं। आज मैं आपको था के सारे सेंटेंस लेके आया हूँ। तो मेरे सामने बहुत सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं, करीब 14 सेंटेंस लिखे हुए हैं जिसमें था से संबंधित मैंने समझाया है। पहला वाला सेंटेंस पर अगर आप लोग ध्यान दें तो इसमें लिखा है वह खेलता था, तो इसको बनाने के लिए देखे बाजू में लिखा हुआ है ही प्लेड। इसका फार्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसकी हेल्पिंग अप होगी डिड। जब इसका नेगेटिव इंटरगेटिव बनाएंगे तब आपको डिड का इस्तेमाल करना है। जैसे वह नहीं खेलता था, ही डिड नॉट प्ले। क्या वह खेलता था, डिड ही प्ले, इस प्रकार का होगा। अब इसके बाद हम लोग सेकंड नंबर में आते हैं, वह खिलाड़ी था। तो वह खिलाड़ी था वाला सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि था के पहले कोई नाउन आ रहा है। था के पहले अगर कोई नाउन या एडजेक्टिव आएगा तब हमको था के लिए वाज ए वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे हमें कहना है वह खिलाड़ी था तो ही वाज ए प्लेयर, वह खिलाड़ी नहीं था ही वाज नॉट ए प्लेयर, क्या वह खिलाड़ी था, वाज ही अ प्लेयर, इसमें आएगा। दोस्तों इसमें डिड नहीं लगाना है, अक्सर आप लोग इसमें डिड लगा देते हैं। अगर मैं विशेषण की बात करूं कि मैं बीमार था, हम लोग बीमार को कह रहे हैं, बीमार एक एडजेक्टिव होता है, तो हम लोग बोलेंगे आई वॉज इल, मैं बीमार नहीं था, आई वॉज नॉट इल, क्या मैं बीमार था, वॉज आई इल, ऐसा होगा। उसके बाद हम लोग थर्ड नंबर में आते हैं, वह खेल रहा था आ रहा, यानी पास्ट कंटिन्यूस की बात चल रही है। फार्मूले पर अगर आप लोग ध्यान दें तो लिखा हुआ है सब्जेक्ट वाज वर्ब वर्ब में आईएनजी, सब्जेक्ट वाज वर्ब वर्ब में आईएनजी लिखा हुआ है, तो इसका बनेगा ही वॉज प्लेइंग। इसका नेगेटिव इंटरगेटिव बनाने के लिए हमें पहले से हेल्पिंग अप दिया हुआ है वास, तो वास वर के बाद नॉट लगा देंगे। वह नहीं खेल रहा था ही वास नॉट प्लेइंग, क्या वह खेल रहा था, वास ही प्लेइंग। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, वह खेल चुका था आ रहा है। फार्मूला है सब्जेक्ट हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हम लोग हेड के बाद नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा देंगे और क्या वाले में हेड को आगे कर देंगे। वह खेल चुका था ही हैड प्लेड, वह नहीं खेल चुका था ही हैड नॉट प्लेड, क्या वह खेल चुका था, हैड ही प्लेड। इसको हम लोग उसने खेल लिया था भी कहते हैं, ही हैड प्लेड, ये भी सेंटेंस हिंदी में चल जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वह खेल सकता था, अब सकता था बोल रहे हैं हम लोग, किसी कैपेबिलिटी की बात करें, कोई पुरानी कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे ही कुड प्ले। लेकिन अगर हम लोग ये कहना चाहते हैं कि वह खेल सकता था पर खेला नहीं, तो आप लोग कुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ही कुड हैव प्लेड। जब मैं 12 साल का था तो मैं नदी में तैर सकता था, यहाँ पर आएगा वेन आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड आई कुड स्विम इन द रिवर, यहाँ पर कुड है उस स्वम नहीं आएगा। लेकिन हमें कहना है कि तुम मेरे घर आ सकते थे पर आए नहीं, तो यहाँ हम लोग बोलेंगे यू कुड हैव कम टू माई होम बट यू डिड नॉट कम, मतलब कोई काम कर सकते थे पर किए नहीं वाले में कुड हैव आपका थर्ड फॉर्म आता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चाहिए था हम लोग जब किसी एक्शन को कहेंगे, खेलना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, रोना चाहिए था, तब हमको सब्जेक्ट शुड हैव आपका थर्ड फॉर्म लगाना है, तो इसका बनेगा ही शुड हैव प्लेड। उसे नहीं खेलना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव प्लेड, शुड हेल्पिंग अप होगी, क्या उसे खेलना चाहिए था, शुड ही हैव प्लेड, ऐसा बनेगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वह खेला करता था, कोई पुरानी घटना की बात कर रहे हैं, खेला करता था, खाया करता था, रहा करता था, इस प्रकार का, तो इसमें यूज टू का प्रयोग करेंगे और वह आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा, ही यूज टू प्ले। वह नहीं खेला करता था, ही यूज नॉट टू प्ले, क्या वह खेला करता था, यूज ही टू प्ले। आप लोग यूज को हेल्पिंग वर्ब मान सकते हैं क्योंकि ये मॉडल है, आप चाहे तो इसमें डिड नॉट का भी यूज कर सकते हैं, ही डिड नॉट यूज टू प्ले, जब डिड लगाएंगे तो इसका डी हट जाएगा। क्या वह खेला करता था, डिड ही यूज टू प्ले, ऐसा भी कर सकते हैं, यूज भी एक हेल्पिंग वर्ब होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वह खेलना चाहता था, वाले सेंटेंस में आपको हमेशा वॉन्टेड ही लगाना है।
चाहता था कि पहले वर्ब आ रहा है नहीं आ रहा है इससे मतलब नहीं है, आपको वांटेड ही लगाना है ये ध्यान देंगे। यहाँ आप लोग कई बार शुड लगाने की कोशिश करते हैं, वह खेलना चाहता था, ही वांटेड टू प्ले। अब इसका नेगेटिव इंटरगेटिव बनाने के लिए हमको ये पास्ट सिंपल का एग्जांपल है दोस्तों, हमको डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वह नहीं खेलना चाहता था, ही डिड नॉट वांट टू प्ले। क्या वह खेलना चाहता था, डिड ही वांट टू प्ले, ऐसा होगा। और जब डिड आएगा तो वांट का ईडी हट जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वह खुश हो सकता था। सकता था में हमने केवल कुड लगाया था, यहाँ पर हो आने की वजह से हमें बी करना पड़ेगा, ही कुड बी हैप्पी। वह खुश नहीं हो सकता था, ही कुड नॉट बी हैप्पी। क्या वह खुश हो सकता था, कुड ही बी हैप्पी, ऐसे बनाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, तुम्हें खुश होना चाहिए था। अब हम लोग होना चाहिए था बोल रहे हैं तो हमें बोलना पड़ेगा यू शुड हैव बीन हैप्पी। तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीन हैप्पी। क्या तुम्हें खुश होना चाहिए था, शुड यू हैव बीन हैप्पी, ऐसा आएगा दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उसे मोबाइल चाहिए था। किसी चीज़ की डिमांड हो रही है या वह मोबाइल चाहता था, किसी चीज़ों को चाहिए था बोल रहे हैं तो हमको वांटेड लगाना पड़ेगा, तो ही वांटेड अ मोबाइल। हमें कहना है कि उसे मोबाइल नहीं चाहिए था या वो मोबाइल नहीं चाहता था, तो हम लोग बोलेंगे ही डिड नॉट वांट अ मोबाइल। क्या वो मोबाइल चाहता था या क्या उसे मोबाइल चाहिए था, तो हम लोग बोलेंगे डिड ही वांट अ मोबाइल, ऐसा बनेगा दोस्तों। तो इस सेंटेंस को आपको बनाने की प्रैक्टिस करना है और सेंटेंस की बनावट पर ध्यान देना है, मिस्टेक नहीं करना है, गलती नहीं करना है दोस्तों। उसे मोबाइल चाहिए था वाले सेंटेंस में हमने वांटेड का इस्तेमाल किया था, नेगेटिव इंटरगेटिव बनाने के लिए हमने डिड का इस्तेमाल किया, और डिड के आते हुए आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ये बात आप समझ गए। 12वें नंबर पर ध्यान देते हैं, वह धनी हुआ करता था। यानी किसी नाउन या एडजेक्टिव को हम लोग हुआ करता था बोलेंगे तब हमें यूज टू बी का इस्तेमाल करना है, ही यूज टू बी रिच। हमें कहना है कि वह धनी नहीं हुआ करता था, ही डिड नॉट यूज टू बी रिच, या ही यूज नॉट टू बी रिच। क्या वह धनी हुआ करता था, यूज्ड ही टू बी रिच, या डिड ही यूज टू बी रिच। यूज वाले सेंटेंस में अगर डिड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको यूज का डी हटाना है, बस इतना ध्यान देना है दोस्तों। लेकिन उसके पास कुछ चीज़ हुआ करती थी, उसके पास दौलत हुआ करती थी, तो यूज टू बी नहीं लगाएंगे, यूज टू हैव हो जाएगा। ही यूज टू हैव वेल्थ, मेरे पास एक कार हुआ करती थी, आई यूज टू हैव अ कार। तुम्हारे लंबे बाल हुआ करते थे, यू यूज टू हैव लॉन्ग हेयर, इस प्रकार का आएगा। इसका नेगेटिव बनाते हैं, उसके पास दौलत नहीं हुआ करती थी, ही यूज नॉट टू हैव वेल्थ, ही डिड नॉट यूज टू हैव वेल्थ। क्या उसके पास दौलत हुआ करती थी, यूज्ड ही टू हैव वेल्थ, डिड ही यूज टू हैव वेल्थ। आखिरी है दोस्तों, वह खुश होना चाहता था, चाहता था। मैंने आपसे कहा है कि वांटेड लगाना ही लगाना है, ही वांटेड टू बी हैप्पी। अब हो आने की वजह से हमें बी लगाना पड़ेगा, नेगेटिव इंटरगेटिव में डिड का इस्तेमाल करेंगे, ही डिड नॉट वांट टू बी हैप्पी, डिड ही वांट टू बी हैप्पी, ऐसा यूज करेंगे दोस्तों। अब हम लोग सभी सेंटेंस को एक बार फिर से फार्मूला सही देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस को कैसे बनाना है। तो दोस्तों पहला जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल का एग्जांपल है, सब्जेक्ट प्लस आपका सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सेकंड वाले पर ध्यान देते तो हम लोग किसी नाउन या एडजेक्टिव को था बोल रहे हैं, वाजबर का इस्तेमाल होगा। तीसरे वाले सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस है दोस्तों, रहा था, रही थी, आ रहा है, वाजबर वर्ब में आईएनजी आएगा। फोर्थ वाले सेंटेंस में चुका था, आ रहा है, पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल है, सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। फिफ्थ वाले में दोस्तों सकता था, किसी पास कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कुड का इस्तेमाल करना चाहिए और कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। खेलना चाहिए था, किसी एक्शन को चाहिए था कह रहे हैं तो हमें शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। खेला करता था, कोई पुराने समय में कोई काम हुआ करता था, जाया करता था, खेला करता था, तो यूज टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। चाहता था वाले वाक्य में आपको हमेशा वॉन्टेड ही लगाना है, डिड लगाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, डिड आपको नेगेटिव इंटरगेटिव में लगाना है। खुश होना चाहिए था, वह खुश हो सकता था, खुश हो सकता था वाले वाक्य में फिर कुड का इस्तेमाल करेंगे, बी आएगा हो आने की वजह से। खुश होना चाहिए था, फिर चाहिए था कह रहे हैं, किसी एक्शन को होना को कह रहे हैं तो हमें शुड हैव बीन लगाना पड़ेगा। खुश होना चाहिए था, शिक्षक होना चाहिए था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। किसी चीज़ के लिए चाहिए था बोलेंगे तो हमें वांटेड लगाना पड़ेगा, उसको हम लोग चाहता था भी कह सकते हैं, आई वॉन्टेड अ मोबाइल, ही वॉन्टेड अ कार, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। किसी नाउन या एडजेक्टिव को हुआ करता था बोलेंगे तो आपको यूज टू बी लगाना है, शिक्षक हुआ करता था, डॉक्टर हुआ करता था, यूज टू बी अ टीचर, यूज टू बी अ डॉक्टर। कोई चीज़ किसी के पास हुआ करती थी तो हम लोग यूज टू हैव लगाना है, जैसे मेरे पास सब कुछ हुआ करता था, आई यूज टू हैव एवरीथिंग। नेगेटिव इंटरगेटिव बनाने में ऐसे वाक्यों में यूज्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, यूज का डी हटाना है। उसके बाद चाहता था आ रहा है तो वांटेड तो आएगा ही आएगा,
हो आने की वजह से भी आएगा। तो दोस्तों अब देरी किस बात की है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। तो बार बार प्रैक्टिस करें और अपने वाक्यों को अच्छा बनाने की कोशिश करें और गलती ना करें। अब अगली बार आप कहीं पर भी डिड ना लगाएं, ना वाज लगाएं, ना सेकंड फॉर्म लगाएं, समझिए कि कहीं कहाँ पर डिड आ रहा है, कहाँ पर वाज बार आ रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये आपको छोटा सा प्रयास, छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कोशिश के साथ, एक नए प्रयास के साथ। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये आपसे जो अधिकतर गलतियां होती है, इस गलतियों को दूर करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि आप लोग था में हमेशा जो गलती करते हैं वो आपसे गलती क्यों होती है, उसके पीछे कारण क्या है, उसका नेचर समझने की कोशिश करें। क्योंकि आप अगर नेचर समझ जाएंगे तो मुझे उम्मीद है आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों चालू हो जाइए प्रैक्टिस करना। थैंक यू वेरी मच।